दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और उसके बाद कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो आपको हमारा इतने सही जो करना है कि आपको जो अच्छी बात लगती है वो आगे लोगों तक पहुंचा दें। और देखिए, शेयर करना मत भूलिए, और जो बेल है उस पर भी आप टच कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहें। और देखिए, मेरे साथ गुरदीप सिंह आसी जी खड़े हैं। देखिए पर्सनैलिटी से आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब एक्टर्स हैं जहाँ पर जो आए हैं, और परफॉर्मेंस जो देने वाले अंदर बैठे हैं, जो उनको देखने के लिए आए हैं, जो उनके जो मदद करते हैं, या पीछे क्रू मेंबर होते हैं, जो जितने भी कलाकार होते हैं उनके साथ कोई ना कोई सेट लगाने वाला हो, कि उनको मदद देने वाला हो, कि फाइनेंसर, बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखिए, हमारे साथ ये भाई साहब खड़े हैं, इसे हमें अपने आप बताएंगे इनका नाम और ये क्या यहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। दो मिनट के बीच में ये सब कुछ आपको हालात बता देंगे। ये देखिए, पुराना ज़माना नहीं है, अब बॉम्बे बदल चुका है, फिल्म लाइन बदल चुकी है। अब वहाँ पे सिंटा ने सारा कुछ संभाल लिया है। अगर किसी भी आर्टिस्ट के पास सिंटा का कार्ड नहीं है, उसे काम नहीं मिलता, काम बहुत है। तो हमें बॉम्बे जाने के लिए एक्टिंग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। हम बॉम्बे जाके ही कोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए दीपक साहब जो इस वक्त मेरे सामने हैं, तो दीपक साहब ने ये बीड़ा उठाया है, उसमें मैं इनके इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक्टिंग हम यहीं सिखाएंगे, हम स्टूडेंट्स को यहीं से ट्रेंड करके उनको बाकायदा पूरी तरह एक्टिंग के जो गुण है वो सिखा के हम मुंबई भेजेंगे। और ऑलरेडी हमारे यहाँ जो सावधान पंजाब प्रोग्राम हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है और वो पॉलिश भी हो रहे हैं, तो सारा काम दीपक आर्ट्स, दीपक फिल्म, DAP फिल्म्स के अंडर हो रहा है। उसमें मैं पूरी तरह जुड़ा हुआ इनके साथ। और जो बीड़ा इन्होंने उठाया है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, हम बॉम्बे पंजाब के अंदर, लुधियाने के अंदर लेके आएंगे, ये हमारा और दीपक जी का वादा है। तो आपका ऑफिस वगैरह कहाँ है? छोटी है। अच्छा, ये बताइए, उसमें आप जो आपकी टीम है उसमें आपका क्या रोल है? देखिए, हमारी जो टीम बहुत बड़ी है, टीम एक यही नहीं है, हमारी मुंबई में भी है, क्योंकि जहाँ पे मैंने देखा है, कुछ हालात देखे हैं मुंबई में, जो लड़के लड़कियाँ मुंबई जाते हैं एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए, वो कहाँ पहुँचते हैं, क्या उम्मीदें लेके पहुँचते हैं और उनका अंजाम क्या होता है, ये सब जानते हैं। बातें कभी टीवी में, सीरियल में, कभी किसी फिल्म में आई नहीं है, जो हालात हमने देखे हैं। हम ये समझते हैं कि उनके साथ ऐसा बुरा ना हो, वो जाएँ तो यहीं से सीख के जाएँ, और पूरी तरह सीख के, अच्छी तरह उस चीज़ को समझ के कि हाँ, इंडस्ट्री क्या है और आगे हमने क्या करना है, तो सीख के जाएंगे और यकीनन हम कहते हैं कि वो अपना नाम रोशन जरूर। अच्छा, मेरी बात सुनिए, जो गरीब होते हैं, जो कुछ लोग अपना खर्चा नहीं कर सकते, मीडियम क्लास से होते हैं, टैलेंट होता है उनमें, ऐसे बच्चों को आप कितनी मदद देते हैं, कितना चार्ज करते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। जिनमें टैलेंट होता है लेकिन पैसा नहीं होता उनके पास, और जिनके पास पैसा होता है उनके पास टैलेंट नहीं होता। जिनके पास टैलेंट होता है, सब कुछ होता है, उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका टैलेंट एक दिन ज़रूर सामने आता है। हमारे सामने दो एग्जाम्पल हैं, एक शायद कोई जूते का काम करते थे, वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, और एक जो हिमेश रेशमैया जी ने अभी चांस दिया है, जिनको रानू मंडल नाम की, क्या वो अमीर थी? उनका टैलेंट आगे लेके आएगा। टैलेंट, जिसके पास जो टैलेंट है, आगे तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। हम यही कहते हैं कि DAP फिल्म वो टैलेंट को वहाँ तक पहुँचाएगा, ये हम वादा करते हैं। इसीलिए हमने लुधियाने के अंदर ये इंस्टीट्यूट खोला है, ताकि किसी को बॉम्बे जाके ये सीखने की जरूरत, वहाँ खर्चा बहुत है, रहने खाने का बहुत खर्चा है, यहाँ सीखेंगे, यहाँ पॉलिश होंगे और आगे अपना नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।